दिल्ली में केजरीवाल सरकार दिल्ली में बढ़ते भ्रष्टाचार खत्म करने के दावे कर रही है और भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए अलग अलग तरीके भी अपना रही है, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार के विभाग में काम करने वाले कुछ कर्मचारी और अधिकारी दिल्ली सरकार की तमाम योजनाओं को भ्रष्टाचार में लिप्त करने में लगे हुए हैं। दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा में कुछ राशन दफ्तर के अधिकारियों की मिलीभगत से कादीपुर कुश्क नंबर 1 में स्थित सरकारी राशन की दुकानदार के राशन कार्ड धारकों को फर्जी तरीके से दूसरी राशन की सरकारी दुकान पर ट्रांसफर करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में राशन माफिया सक्रिय है। दिल्ली में दलालों की दलाली खत्म करने के सभी मुद्दों को उठाकर ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की सरकार में ही यदि ऐसा होता है तो सवाल खड़े होना लाजमी है। राशन वितरण में घोटाले की खबरें तो आती रहती हैं। एक और नया मामला, राशन डीलरों को अलॉट उपभोक्ताओं की संख्या क्या है? राशन की दुकान के जो उपभोक्ता विभाग द्वारा बांटे जाते हैं उनमें भी दुकानदारों के साथ मिली भगत करके अधिकारियों द्वारा अलग अलग एरिया में उपभोक्ताओं को बांटने का आरोप लगा है। इस मामले की शिकायत दिल्ली के उपराज्यपाल को भी दी गई है। सर, शिकायतें हैं कुछ आपकी तरफ से दी गई हैं एसएसए को और एलजी को भी लगाई गई है, क्या शिकायतें हैं और क्या पूरा मैटर है बताएं। मेरे गांव में एक दुकान चलती है जिसका नंबर है 3240, उसको एक वीडियो लाइसेंस ही चलाती है और उसके यहाँ से उसके नाम से कोई फर्जी एक एप्लीकेशन एफएसओ को कोई देता है कि भाई इसकी दुकान से इससे राशन नहीं बांटा जा रहा है और उसी के नाम से देता है कि भाई मैं गंगा देवी लिखती हूँ कि मेरे से मैं विधवा हूँ और मुझसे राशन नहीं बांटा जा रहा है, इस तरह का मैटर बना के एक लिखता है कि मेरे इसके कार्ड किसी दूसरी दुकान पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए राशन कार्ड। तो ये सब प्रक्रिया मिली भगत से होती है एफएसओ की और किसी अन्य दुकानदार की। जब ये फाइल बिना इंस्पेक्टर के रिमार्क के एसी ऑफिस को चली जाती है तो एसी के यहाँ से दुकानदार को फ़ोन आता है कि भाई ऐसे आपने कोई एप्लीकेशन दिया, तो दुकानदार चौंकता है क्योंकि उसने तो कोई एप्लीकेशन लिखी नहीं, किसी ने उसके फर्जी साइन मार के वहाँ दिया। तो ये 300 कार्ड कटने से पहले एसी की मदद से रुक जाते हैं। मैंने कंप्लेंट ये की है कि 300 कार्ड किस वजह से काटे जा रहे थे और किस दुकानदार को किस फायदे के लिए दिए जा रहे थे, क्योंकि ना तो इस पे इंस्पेक्टर ने कोई रिमार्क लिखा है ना इंस्पेक्टर से कोई सलाह ली गई है। तो ये फर्जी एक आवेदन जो दे के वहाँ डायरी कराया जाता है और जब ये एसी ऑफिस में चला जाता है अप्रूवल के तब पकड़ा जाता है। उसके बाद की कार्रवाई ये होती है, एसी साहब उस एफएसओ से पूछते हैं भाई क्या है ये, तो जो डायरी करता है एफएसओ खुद उसको भी काट देता है पेन से, ये उसका भी प्रूफ है मेरे पास। तो ये इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है और अगर ऐसा ही कोई फर्जीवाड़ा अगर किसी दुकानदार के साथ ये क्या कर दिया जाए कि भाई उसका लाइसेंस सरेंडर कर दिया जाए, ये तो छोटा सा एक 400 कार्ड का है लेकिन अगर उसका तो लाइसेंस ही सरेंडर हो जाएगा इस फर्जीवाड़े में, तो जो भी फर्जीवाड़े में लोग शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, मेरा ऐसा अनुरोध है। सामाजिक कार्यकर्ता विकास सैनी ने बताया कि एक विधवा राशन डीलर ने अपने शिकायत में लिखा है कि बुराड़ी सर्कल 2 में कुछ राशन दुकानदारों के हित की आपूर्ति के लिए फर्जीवाड़े को अंजाम देकर अधिकारियों द्वारा रकम वसूली जा रही है। इसके अवैध में किसी अन्य दुकानदार के नाम से आवेदन देकर मिलीभगत करके दुकानदार से राशन कार्ड हटवाने के अवैध में एफएसओ अपने चहेते क्षेत्रीय खाद निरीक्षक की अनुशासन को दरकिनार कर नियमों का मजाक बनाकर कमाई कर रहे हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि दुकानदार का पंजीकरण 3246 है जो एक विधवा महिला के नाम पर पंजीकृत है। एक गुमनाम उसी विधवा महिला के नाम से एफएसओ से मिलीभगत करके फर्जी आवेदन लगाता है और उस दुकान के 400 राशन कार्ड हटवाकर अपनी दुकान पर लगवाने का फर्जीवाड़ा करता है। इसमें कुछ अधिकारी उसका साथ देते हैं। गंगा देवी जी, कुछ ग्राहक यहाँ से दूसरी दुकान पर जाने के लिए पत्र लिखा किसी शख्स ने, तो कितना सही है कितना झूठ है? झूठ है जी, ये कि 400 कार्ड हटा दिए जाएं और नकली साइन मेरे करके एप्लीकेशन लगा दी गई है ये, तो हम नहीं चाहते हमारी दुकान से कार्ड हटा दिए जाएं। तो आपने भी शिकायत दी है उसके खिलाफ? हाँ जी। अच्छा, शिकायत दी है? हाँ जी, एप्लीकेशन है और ये गुलाब विभाग एसी ऑफिस में जमा। तो भी बात की आपने? हाँ जी की है जी। क्या बोले वो? शिकायत लेने से मना कर दिया। अच्छा, तो अभी क्या लग रहा है कितने ग्राहक उसके पास हैं? क्या सबसे ज्यादा ग्राहक उसी के पास है फिर भी चेंज किया जा रहा है? हाँ जी, 1600-1700 कार्ड है उसके पास, उससे भी ऊपर तो हमें नहीं पता। और हमारी दुकान पे 2000 रही है। अच्छा, जैसे अभी आप बुजुर्ग हो गए हैं, काफी पुरानी आपकी दुकान है। हाँ जी। तो क्या आपको लगता है कि ग्राहकों को दूसरी जगह भेज देना चाहिए? नहीं जी, क्योंकि अभी डबल है, फिर सिंगल हो जाए फिर दुकान खर्चा वर्चा नहीं निकल पाएगा, तो इसलिए हम चाहते हैं हमारी दुकान से कार्ड ना हटा हटाए जाए। फिलहाल यह गुमनाम दुकानदार कौन है अभी तक पता नहीं चल पाया, क्योंकि जिन अधिकारियों को जांच करनी है वह खुद अधिकारी इस मामले में शामिल है। आवेदक में दुकानदारों के फर्जी हस्ताक्षर किए जाते हैं और बिना उसकी मोहर के ही फर्जी डायरी करवा लिया जाता है।
अब देखने वाली बात होगी कि ईमानदारी का दावा करने वाली सरकार इसमें क्या कदम उठाती है। इस मामले में राशन दफ्तर के अधिकारी एफएसओ से दिल्ली समाचार की टीम ने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया और ऑफ कैमरा कहा कि ये जांच का विषय है और अभी भी जांच जारी है। फिलहाल देखने वाली बात होगी दिल्ली सरकार की जनता को मुफ्त राशन बांटने की योजना को पलीता लगाते हुए जो अधिकारी इस भ्रष्टाचार में लिप्त है उन अधिकारियों पर कोई कानूनी कार्रवाई होती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।